September we met. Hello friends, welcome back to my channel Visual Art History Mahi S. Friends, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे वो भारत के एक बहुत ही धनी कलाकार रहे हैं, बहुत ही फेमस कलाकार हैं और बहुत ही सिंपल और सामान्य कलाकार रहे हैं। मंजीत बाबा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। मंजीत बाबा एक ऐसे कलाकार थे जो कि जिस समय सारे कलाकार पाश्चात्य कला की तरफ विमुख हो रहे थे, उस समय मंजीत बाबा जो थे वो भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का उन्होंने सोचा। उन्होंने अपने कलाकृतियों में भारतीय संस्कृति को ही लेके चले। भले ही उनको प्रेजेंट करने का तरीका उनका बिल्कुल ही अलग था, उनकी जो जीवंत जो रचनाएं थीं बिल्कुल अलग दुनिया से आई थी, इस मानव जीवन के लोगों से बिल्कुल अलग, परंतु उनका जो था पारंपरिक, जो यहाँ के पारंपरिक कथाएं हैं, जो कि सारी चीज़ें उन्होंने भारतीय कहानियों से, लघु कहानियों से, पहाड़ी पेंटिंग से उन्होंने कुछ मदद लिया। उन्होंने कुछ पारंपरिक कहानियों, वेशभूषाओं, इन सब चीज़ों से उन्होंने अपने पेंटिंग्स को बनाया और उसे निरूपित किया। तो आज हम बात करेंगे मंजीत बाबा के बारे में, जो कि पंजाब से बिलोंग करते थे, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं उनका जीवन परिचय। मंजीत बाबा जो थे वो 28 जुलाई 1940 में उनका जन्म हुआ था, पंजाब के एक टूरी नामक गांव में हुआ था। मंजीत बाबा की जो मृत्यु हुई थी 29 दिसंबर 2008 को हुई थी। उससे पहले उन्हें स्ट्रोक था और 3 साल वो कोमा में रहे थे। मंजीत बाबा ने अपनी कला की शिक्षा जो ली वो अपने बड़े भाइयों से प्रेरणा लेकर की। उनके बड़े भाइयों ने उनको काम करते हुए देखकर प्रेरित किया कि तुम्हें कला की शिक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने कला की शिक्षा ली। स्टार्टिंग का जो शिक्षा दीक्षा था वो उन्होंने पंजाब में ही ग्रहण किया, पर आगे चल के जो कला की शिक्षा ली थी कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से ली थी। उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ आर्ट प्रिंटिंग में चले गए और वहाँ पर इन्होंने सिल्क स्क्रीन की शिक्षा प्राप्त की। बाबा जो थे वो पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने लंदन जाकर सिल्क स्क्रीन की शिक्षा दीक्षा ली थी। मंजीत बाबा के रंग संसार को कहते हैं कि जैसे उस समय भारतीय कलाकार पाश्चात्य संस्कृति को लेके अपनी कलाकृतियों में ब्राउन, ब्लैक, कुछ न्यूट्रल से कलर्स को यूज़ करना शुरू किया, उस समय मंजीत बाबा ने भारतीय रंगों को, चटकीले रंगों को, लाल, हरे, बैंगनी, पीले, इन सब कलर्स को यूज़ करते थे। जो मेन प्राइमरी कलर्स होते थे उनको उन्होंने अपने चित्रों के धरातल में यूज़ किया और उनकी जो कलाकृतियाँ थी उसको वो एक तरह से, मंजीत बाबा की जो कलाकृति थी आप अगर देखेंगे ध्यान से तो हवा में उड़ती हुई नज़र आती हैं। ना उसका कहीं बेस बनाते थे वो, ना ही उसका कोई पर्सपेक्टिव देते थे और ना ही उसका कोई शेडो बनाते थे। तो मंजीत बाबा की कलाकृतियों का एक अलग ही प्रमुखता थी। मंजीत बाबा ने बांसुरी, गायों के प्रति काफ़ी, उनका जो बचपन था वो काफ़ी आकर्षित रहा है। मंजीत बाबा जो थे देशज रंगों और रूपों रूपकारों के कुशल चितेरे थे। कृतियों में आकर्षण विद्यमान था। लाल रंग उन्हें बेहद प्रिय था। वे नीले आकाश को भी लाल रंग से उकेरना चाहते थे। विलक्षण रंग प्रयोग की विशेषता के बावजूद सीमित रंगों का प्रयोग और व्यापक रंगानुभव सूफियाना अंदाज के कलाकार बाबा के कला संसार की पहचान थी। बाबा जो थे वो पंजाबी थे। उनकी कलाकृतियों में सूफियाना अंदाज भी दिखता है, भारतीय अंदाज भी था। उन्होंने कृष्णलीला को भी लेके चित्रण किया, देवी, काली, दुर्गा, ये सब टॉपिक्स भी थे, नॉर्मल ह्यूमन भी थे। उनके जो टॉपिक्स थे वो बिल्कुल भिन्न थे। कृष्णा को उन्होंने गायों के बजाय कुत्ते से घिरा हुआ बनाया। इस तरीके से जो मंजीत बाबा थे उनकी कलाकृतियाँ बिल्कुल ही
अलग संसार रचती थी। कला समीक्षक उमा नायर के अनुसार बाबा कला में नव आंदोलन का हिस्सा थे। रंगों की उनकी समझ अद्भुत थी। उन्होंने भारतीय समकालीन कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ख्याति दिलाने का जो काम किया उसे कला जगत में हमेशा याद किया जाएगा। कलाकारों के साथ उनको किन किन कलाकारों का साथ मिला? जब वो कला की शिक्षा दिल्ली में ले रहे थे तब उनके साथ सोमनाथ हूर, बीसी सान्याल और कई कलाकारों का साथ मिला। पर उनका कहना है कि जब उनकी छत्रछाया अबनी सेन के साथ थी तो अबनी सेन की वजह से ही आज वो जो हैं वो हैं। उनका कहना था कि श्री सेन ने मुझे रोज़ रोज़ 50 स्केच बनाने के लिए कहा और मंजीत बाबा रोज़ उनको 50 स्केच दिखाते थे, पर उनके जो गुरु थे अवनी सेन वो अधिकांशतः को रद्द कर देते थे, मीन्स रिजेक्ट कर देते थे। यही था मंजीत बाबा के रेखांकन का अभ्यास और इसी वजह से मंजीत बाबा रेखांकन में निपुण होते चले गए। हम जब गुरु की बातें सुनते हैं, गुरु हमें कोई चीज़ मार्गदर्शन करता है तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे फ्यूचर के लिए ही वो कुछ करता है। हमें उस समय तो थोड़ा लगता है कि हमारे चीज़ों को गुरु ने रिजेक्ट कर दिया, पर हमारे लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मंजीत बाबा के साथ भी जब अवनी सेन ने उनके साथ शक्ति बरती और उनके साथ काम करवाया तो उनके जो रेखांकन था वो इम्प्रूव होता चला गया। और ख़ुद भी मंजीत बाबा कहते थे कि मेरी कलाकृतियों में, मेरी लाइंस में अवनी सेन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। कलाकार की कल्पना और मौलिकता, उन्होंने अपने उन दिनों को याद करते हुए कही कहा भी था कि तब से मेरी लगातार काम करने की आदत पड़ गई। जब सब अमूर्त की ओर जा रहे थे मेरी गुरुओं ने मुझे आकृति मूलकता का मर्म समझाया और उस ओर जाने के लिए प्रेरित किया। वे आकृति मूलकता की ओर आए तो सही, लेकिन अपनी नितांत कल्पनाशीलता मौलिकता से उन्होंने नए आकार खोजे, अपनी खास तरह की रंग योजना का आविष्कार किया और मिथकीय संसार में अपने विषय को ढूंढा। यही कारण है कि उनके चित्र संसार में ठेठ भारतीयता के रंग व आकार को देखा जा सकता है। उनके चित्रों में हम भारतीय जो प्राइमरी कलर्स वाले, आप पहाड़ी चित्रों में, मुगल चित्रों में जो प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो देख सकते हैं, हमारे मंजीत बाबा की कलाकृतियों में भी भारतीय मूल के रंगों को देख सकते हैं। मंजीत बाबा के चित्रों के विषय को हम देखते हैं। मंजीत बाबा के चित्रों के जो विषय होते थे वो भी पूरे तरह से मिथकीय और पौराणिक प्रसंग संदर्भ से जीते जाते उनके एक उदाहरण हुआ करते थे। हीर रांझा, कृष्ण, गोवर्धन, देवी तथा कई मिथकीय और पौराणिक प्रसंग संदर्भ और हैं। इसके साथ ही उनके चित्रों में अनेक जीव जंतु उतने शायद किसी अन्य भारतीय कलाकार में नहीं हैं। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कृष्ण के साथ कुत्तों को लगाया, कुत्तों को चित्रण किया, जबकि हम हमेशा कृष्ण को गायों के साथ घिरा देखते हैं। कभी हम किसी और जानवरों के साथ नहीं देख सकते, या तो हम मोर के साथ देखते हैं या तो गायों के साथ देखते हैं, पर मंजीत बाबा की दुनिया में हमने कृष्ण को कुत्तों के साथ भी घिरे हुए दिखाया है। तो मंजीत बाबा की जो संसार रचना करने का एक अलग तरीका था, उनकी सोच थी वो बिल्कुल ही अलग थी। मंजीत बाबा को स्वर्गीय जगदीश स्वामीनाथन का भी साथ रहा है। कैसे रहा है? 70 के दशक में स्वर्गीय जगदीश स्वामीनाथन के संपर्क में आकर मंजीत की कला में और भी फर्क आ गया। भारतीय मिनिएचर कला से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पहाड़ी मिनिएचर और सिख मिनिएचर से उनका गहरा और सार्थक संवाद था। मंजीत छटक रंगों के विशेषज्ञ थे। लाल रंग खास तौर से उनकी कृतियों में सबसे ज़्यादा बोलता है। सरल सूफियाना काव्यात्मक छवियों को वह अद्भुत रूप दे देते थे। अपनी स्टूडियो में मंजीत एक दिव्य आध्यात्मिक उपस्थिति थे। मंजीत की कलाकृतियों में आप एक अध्यात्म भी देख सकते हैं। उनकी जो कलाकृतियों की, जब हम कलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे तब हम ये डिटेल में आपको उनके चित्रों को दिखा के बताएंगे
कि कलाकृतियों में उनके कैसे आध्यात्म झलकता था। मंजीत बाबा को उनकी कला के योगदान के लिए कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 2005 और 6 के टाइम पीरियड में मंजीत बाबा को प्लास्टिक आर्ट के रूप में भारत भवन भोपाल के रूपंकर कला निदेशक रहे मंजीत बाबा को रूपंकर कलाओं में दिए गए योगदान के लिए कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। कालिदास सम्मान से उनको 2005-6 में नवाजा गया था। मंजीत बाबा के कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स देखते हैं। 2002 मंजीत बाबा मीटिंग मंजीत फिल्म ऑन मंजीत बाबा डायरेक्टर बाई बुधा देव दास गुप्ता जो कि बी दास गुप्ता के द्वारा डायरेक्टर की गई थी। रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। मीटिंग मंजीत नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी जो कि डायरेक्टेड की गई थी मंजीत बुद्ध बी दास गुप्ता के द्वारा। इसने 2002 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड लिया था। मंजीत बाबा के ऊपर बनी थी ये फिल्म। 1986 फर्स्ट भारत भवन बिनाले भोपाल में इनको अवार्ड दिया गया था। 1981 ऑल इंडिया एग्जीबिशन ऑफ प्रिंट्स एंड ड्राइंग चंडीगढ़ में इनको अवार्ड मिले थे। 1980 नेशनल अवार्ड ललित कला एकेडमी द्वारा न्यू दिल्ली में इनको प्रदान किया गया था। 1963 में सैलोज प्राइज पुरस्कार नई दिल्ली के द्वारा मंजीत बाबा को प्रदान किया गया था। और भी बहुत सारे अवार्ड्स थे, उनकी प्रदर्शनियाँ थीं और उन्होंने बहुत जगहों पे देश और विदेश में अपनी प्रदर्शनियाँ की, अपने एग्जीबिशंस किए, सोलो किए, ग्रुप एग्जीबिशन किए। आज भी मंजीत बाबा की शोज़ होते रहते हैं। हम मंजीत बाबा की चित्रों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 20 क्वेश्चंस भी MCQs लेके आए हैं जो कि आप लोगों का कहना होता है कि MCQs कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कहते हैं कैसे आते हैं कलाकारों के ऊपर, वो भी मैंने मॉक टेस्ट बनाया हुआ है। तो आप मेरे चित्रों को देखिए, उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी देखेंगे। मंजीत बाबा जो थे वो कला की अलग दुनिया रचते थे, अलग संसार को रचते थे। मंजीत बाबा को कलाकृतियाँ करते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। मंजीत बाबा ऑयल कलर ऑन कैनवस ज़्यादातर इन्होंने प्रयोग किया है, उनको आप इस तरीके से देख सकते हैं। मंजीत बाबा की कलाकृतियों में जो एक कलर का आपने थीम देखा होगा, येलो, रेड, ग्रीन, वायलेट, ये सारे कलर्स जो भारतीय कलर कहे जाते हैं वही इन्होंने यूज़ किया। जो इनके जो सब्जेक्ट हैं पूरी तरह से भारतीय हैं। मंजीत बाबा का ये जो चित्र है कृष्ण विद काऊ, इस तरीके का उन्होंने चित्र बनाया। इसमें आप मिनिएचर पेंटिंग्स का भी प्रभाव देख सकते हैं, जैसे कि पहाड़ी चित्रों की तरह इन्होंने ट्रीज़ को बनाया, पेड़ों को पहाड़ी चित्रों की तरह बनाया, गायों को भी कुछ इंडियन आर्ट से ही रिलेटेड बनाया। जैसा कि मंजीत बाबा थे, उन्होंने वेस्टर्न आर्ट, वेस्टर्न में जाके उन्होंने कला की शिक्षा दीक्षा ली, पर उन्होंने अपने भारतीय कला के विषय को, भारतीय कला के सब्जेक्ट को और टेक्निक को, सारी चीज़ें उन्होंने भारतीय रखी थी। कृष्णा विद काऊ, ये भी अलग टाइटल है एक, कृष्णा को काऊ के साथ कैसे दिखाया गया है। कलर उनका येलो है, बिल्कुल येलो है। यहाँ पर भी देवी है, लेडी है, पर हाथी एलिफेंट के साथ दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरस्वती को दिखाया है कमल के साथ इन्होंने, क्योंकि चार हाथ हैं इसमें, तो कोई देवी ही, गॉड ही इन्होंने बनाया है। और कुछ कमल है और हाथियों का दृश्य यहाँ पर बनाया हुआ है। मंजीत बाबा एक कला की अलग संरचना रचते थे। मंजीत बाबा की कलाकृतियों में हम ना पर्सपेक्टिव पाएंगे, ना ही कोई शैडो पाएंगे, ना ही उनके कलाकृतियों में हम कोई बेस पाते हैं। उनकी कलाकृतियां हवा में उड़ती हुई नज़र आती हैं। मंजीत बाबा अनटाइटल ऑयल ऑन कैनवस 48x42 1993 का ये चित्र है। मंजीत बाबा अनटाइटल्ड ऑयल ऑन कैनवस 26x48 2005 का ये चित्र है। रेड कलर, जैसे हमने कहा कि उनकी कलाकृतियों का बहुत ही
प्यारा कलर उनका होता था रेड कलर, तो उन्होंने इस कलाकृति में रेड कलर दिखाया। इनकी कलाकृतियों का एक अलग ही दुनिया होती थी, अलग ही समाज जगह से इनके जो जो इन्होंने व्यक्ति का बनाया फेस, वो अलग ही दुनिया का बनाया था। यहाँ पर ऑयल कृष्णा विद काउज है, जो कि एक कृष्णा बनाया और कई गायों को बनाया है मंजीत बाबा ने। ऑयल ऑन कैनवास 50x55x66 2005 का है ये चित्र। मंजीत बाबा अनटाइटल्ड मिक्स्ड मीडिया ऑन पेपर, ये स्केच की तरह दिखता है, ऐसा लगता है जैसे मंजीत बाबा ने जो स्केच किया है उसका भी चित्र यहाँ पर है। मंजीत बाबा अनटाइटल्ड ऑयल ऑन कैनवास 36x48 2003, ये है। एक बकरे का चित्र है जो कि उन्होंने वहाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेस का इन्होंने कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। इनके कलाकृतियों में फ्लैट बैकग्राउंड्स होते थे और सिर्फ आकृतियाँ होती थी, ये इनकी एक अलग पहचान दिलाती है। मंजीत बाबा अनटाइटल्ड ऑयल ऑन कैनवास 2004, मंजीत बाबा अनटाइटल्ड ऑयल ऑन कैनवास, जिसमें एक तरह से हम देख सकते हैं इन्होंने कई ह्यूमन बॉडीज़ को बनाया है और बीच में एक शेर का शिकार करते हुए बनाया है, शेर और कुत्ते का शिकार है, इस तरीके से मंजीत बाबा ने अपनी कलाकृतियों में चित्रित किया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। बेस इनका वही रेड कलर में है। अनटाइटल्ड ऑयल ऑन कैनवास, ये एक तरह से प्रहलाद का प्रसंग लगता है, पर इसका इन्होंने अनटाइटल्ड ही रखा है, जो कि 2004 में मंजीत बाबा ने इसको क्रिएट किया था। ये भी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाला ही सीन है, बट इन्होंने उसको सूफी अंदाज में दिखाने का प्रयास किया है, जो कि अनटाइटल्ड है ऑयल ऑन कैनवास 2004 का। बेस इन्होंने यहाँ पर ब्लू यूज़ किया हुआ है, अनटाइटल्ड ऑयल ऑन कैनवास, ऑयल एंड कैनवास अनटाइटल्ड, मंजीत बाबा अनटाइटल्ड ऑयल एंड कैनवास 2000 का है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने येलो बेस और पर्पल कलर को, वायलेट कलर को यूज़ किया है। ये भी इनका एक चित्र है मंजीत बाबा का। मंजीत बाबा का एक ये काली करके पेंटिंग है, जो कि अ पेंटिंग बाय मंजीत बाबा। आई हैव हर्ड अबाउट रिलीजियस आइकन्स फ्रॉम टेल्स नैरेटेड बाय माय फादर। व्हेन आई ग्रू अप आई मेट देम अगेन इन द आर्ट। व्हाट एल्स कैन आई प्रिंट, बाबा हैड टोल्ड क्यूरेटर इनापुरी। ये इनापुरी से बात करते हुए इन्होंने बताया कि जो मैं अपने घर में अपने पिता से जो कहानियाँ सुनता था, मैं उसको क्रिएट करता था। ये दिवाली के टाइम पे है, जैसे हम दुर्गा पूजा में देखते हैं महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, वो वाला चित्र इन्होंने काली का बनाया या दुर्गा का। कलर डार्क है तो काली ही है, तो इस तरीके से मंजीत बाबा की कलाकृतियों में हम देख सकते हैं उनके हिसाब से जो वो सुनते थे मिथकों को, जो कहानियों को अपने घरों में सुनते थे, वही चीज़ वो अपने कलाकृतियों में चित्रित करते थे। उनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, उन्हें कहानियाँ जो अपने रामायण महाभारत इन सब से वो ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते थे। कृष्णा मंजीत बाबा आर्ट प्रिंट्स, ये मंजीत बाबा का कृष्णा है, जो कि बहुत ही सुंदर है, उन्होंने रेड बेस में बनाया है। यहाँ पर मंजीत बाबा ने एक लेडी को हाथी से मिलते हुए दिखाया है, कमल है, बहुत ही सुंदर चित्र है। यहाँ पे काऊ है, लेडी है एंड सन भी दिखाया है यहाँ पर। कृष्णा विद काऊ उनका फेवरेट चित्र रहा है, कृष्णा के साथ महाभारत से जुड़े हुए प्रसंग। इनका एक प्रसंग है ये वाला, जो कि इन्होंने जब कृष्णा ने पहाड़ को उठाया था और वहाँ के गांववासी वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, तब का इन्होंने चित्र गोवर्धन भी बनाया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन है ये कृष्णा विद। यहाँ पर कृष्णा ने, मंजीत बाबा ने कृष्णा को कुत्तों के साथ घिरा हुआ दिखाया है, ये इनकी एक अलग ही दुनिया को रचता है, जो कि इनकी सोच को दिखाता है। यहाँ पर घोड़े पे सवार एक लेडी को दिखाया है मंजीत बाबा ने।
ये दुर्गा का रूप या काली का है, जो भी है, शेर है उस पर सवार हैं, देवी का ही रूप हो सकता है क्योंकि 6 हाथ बनाए हैं तो देवी ही होंगी। तो मंजीत बाबा का ये कृति बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर भी दुर्गा का रूप है, शेर पे बनाया है मंजीत बाबा ने। मंजीत बाबा की कलाकृतियों में हम अलग ही रूप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे काऊ को राधा के साथ कहें या किसी लेडी के साथ कहें घिरे हुए दिखाया है। यहाँ पे मंजीत बाबा ने कुछ सिखिज्म का पुट दिखाया है अपनी कलाकृतियों में। मंजीत बाबा जो थे वो सिख कहानियों से, सिख रचनाओं से भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेते थे अपनी कलाकृतियों में। मंजीत बाबा का एक चित्र है गणेशा अनटाइटल्ड ऑयल ऑन कैनवस 1998 में इन्होंने बनाया था। यहाँ पे गणेशा को बिल्कुल वाइट कलर से इन्होंने चित्रित किया है और बेस बिल्कुल रेड कलर। देखा जाए तो सिर्फ 2 कलर्स में ही इन्होंने ये चित्र बनाए हैं। मंजीत बाबा की कलाकृतियों में कलर्स बहुत ही कम यूज़ होते थे, पर जो भी होते थे बिल्कुल फ्रेश कलर इन्होंने यूज़ किया है। तो ये हो गए मंजीत बाबा के कलाकृतियों के बारे में। अब हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा जो कि 20 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं मॉक टेस्ट लूँगी, फिर उसके बाद उसका आंसर दूँगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना यूपी टीजीटी मॉक टेस्ट। ये यूपी टीजीटी में भी यूज़ होगा, नेट JRF में भी यूज़ होगा और सारे एग्ज़ाम्स में जो कि आप फाइन आर्ट्स का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हों उनके में यूज़ होगा। मंजीत बाबा का जन्म कब हुआ था? 1940, 1930, 1950 या 1920? मंजीत बाबा बेसिकली कहाँ के कलाकार थे? बंगाल के, बिहार के या पंजाब के, उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 3, मंजीत बाबा ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय? क्वेश्चन नंबर 4, मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? मंजीत बाबा को कालीदास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 2005-06, 2006-07, 7-08 या 2002-2003? मंजीत बाबा कहाँ पर रूपंकर कला निदेशक रहे? भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन, शांति निकेतन या JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई? मीटिंग मंजीत क्या है? एक पेंटिंग है, एक फिल्म है, एक ग्राफिक प्रिंटिंग है या एक मूर्ति है? मीटिंग मंजीत किसके द्वारा प्रकाशित फिल्म है? ईनापुरी, मंजीत बाबा, MF हुसैन या लक्ष्मा गौड? मीटिंग मंजीत फिल्म को किस अवार्ड से नवाजा गया? ऑस्कर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार या कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? मीटिंग मंजीत के डायरेक्टर कौन थे? BD गुप्ता, सत्यजीत रे, MF हुसैन, सुधीर रंजन खस्तगीर? क्वेश्चन नंबर 11, ललित कला एकेडमी द्वारा मंजीत बाबा को अवार्ड कब प्रदान किया गया? 1980, 1983, 1985, 1989? क्वेश्चन नंबर 12, मंजीत बाबा को सैलोज प्राइज से कब नवाजा गया? 1963, 1965, 1970 और 1975? हीर रांझा किसकी कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीर रांझा किसकी कृति है? मंजीत बाबा की, MF हुसैन की, JM अहिवासी या शैलेंद्रनाथ डे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हैं, नेट JRF के, UPTGT में भी। कृष्णा विद काऊ ये भी बहुत बार आया है, किसकी कृति है? मंजीत बाबा की, MF हुसैन की या JM अहिवासी, शैलेंद्रनाथ डे की? अबनी सेन की छत्र छाया में किस कलाकार ने कला की शिक्षा ली थी? ईनापुरी, मंजीत बाबा, MF हुसैन या लक्ष्मा गौड़? कौन सा कलाकार अपने चित्रों में प्योर लाल, पीला तथा बैंगनी रंगों का इस्तेमाल करता था? ईनापुरी, मंजीत बाबा, MF हुसैन या लक्ष्मा गौड़? गोवर्धन नामक चित्र किस कलाकार का है? अगर कॉन्टेम्पररी आर्टिस्टों के नाम में आता है तो यहाँ पर आपका मंजीत बाबा हो जाएगा। गोवर्धन पहाड़ी चित्रों में भी आएगा, पर यहाँ पर अगर कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको मंजीत बाबा ही लगाना है। इनमें से कौन सा कलाकार मिथकी और पौराणिक प्रसंग संदर्भ को लेकर चित्रित करता था? वैसे तो पौराणिक और मिथकी जो कहानियों से लेकर राजा रवि वर्मा ने भी चित्रण किया है, पर
दोनों में भी ना आए, क्योंकि अगर राजा रवि वर्मा और मंजीत बाबा दोनों नहीं आएगा एक साथ, जब भी आएगा तो राजा रवि वर्मा के बारे में अगर बात करेगा तो उनके टाइम पीरियड के कलाकारों के बारे में बात करेगा, और अगर मंजीत बाबा के टाइम पीरियड के बारे में बात करेगा तो उनके साथ के कलाकारों के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर कृष्ण खन्ना, कंवल कृष्ण, मंजीत बाबा या राघव कनेरिया, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बांसुरी और गायों के प्रति किस कलाकार का आकर्षण बचपन से ही था? कृष्ण खन्ना का, कंवल कृष्ण का, मंजीत बाबा या राघव कनेरिया? क्वेश्चन नंबर 20, मंजीत बाबा की मृत्यु कब हुई थी? 2005, 2006, 2008 या 2010 में? तो मंजीत बाबा की मृत्यु हुई थी 2008 में, जो कि 29 दिसंबर को हुई थी, अभी कल के डेट पे हुई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर की। मंजीत बाबा का जन्म कब हुआ था? 1940 में हुआ था। राइट आंसर इज ए। मंजीत बाबा कहाँ के कलाकार थे? राइट आंसर इज सी, पंजाब के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 3, मंजीत बाबा की कला की शिक्षा, मंजीत बाबा ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जो कि लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग से प्राप्त की थी उन्होंने। राइट आंसर इज ए, लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग्स। मंजीत बाबा की कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2005 to 6। कालिदास सम्मान से 8 में सम्मानित किया गया था। राइट, ए इज़ द राइट आंसर। मंजीत बाबा कहाँ पर रूपंकर कला निदेशक रहे? ये भारत भवन में रहे, भारत भवन भोपाल में निदेशक रहे। मंजीत मीटिंग क्या है? मंजीत मीटिंग एक फिल्म है जो कि मंजीत बाबा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई गई है, जो कि ईना पुरी ने और बी डी गुप्ता ने मिलकर बनाई है। मीटिंग मंजीत किसके द्वारा प्रकाशित फिल्म थी? तो ईना पुरी यहाँ पे हो जाएगा, प्रकाशित फिल्म अगर पूछता है, और अगर डायरेक्टेड बाई पूछता है तो बी डी गुप्ता हो जाएगा। मीटिंग मंजीत फिल्म को किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राइट आंसर इज बी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए इनको, इस मूवी को अवार्ड दिया गया था। मीटिंग मंजीत के डायरेक्टर बी डी गुप्ता। राइट आंसर इज ए, बी डी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 11, ललित कला एकेडमी द्वारा मंजीत बाबा को अवार्ड कब प्रदान किया गया था? ललित कला एकेडमी द्वारा मंजीत बाबा को 1985 में दिया गया था। राइट आंसर इज सी, 85। ललित कला एकेडमी द्वारा मंजीत बाबा को 1980 में दिया गया था। राइट आंसर इज ए, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीत बाबा को सैलूज प्राइज से कब नवाजा गया था? राइट आंसर इज ए, 1963 में नवाजा गया था। हीर रांझा किसकी कृति है? मंजीत बाबा की है। राइट आंसर इज ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। कृष्णा विद काऊ ये भी आता है। राइट आंसर इज ए, मंजीत बाबा की है। और अवनी सेन की छत्र छाया में किस कलाकार ने कला की शिक्षा ली थी? तो मंजीत बाबा ने ली थी। राइट आंसर इज बी। कौन सा कलाकार अपने चित्रों में प्योर लाल, पीला और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल करता था? तो यहाँ पे फिर से मंजीत बाबा हो जाएंगे। गोवर्धन नामक चित्र इन में से किस कलाकार का है? राइट आंसर इज बी, मंजीत बाबा का है। इनमें से कौन सा कलाकार मिथकी और पौराणिक प्रसंग संदर्भ को लेकर चित्रित करता था? राइट आंसर इज सी, मंजीत बाबा। क्वेश्चन नंबर 19, बांसुरी और गायों के प्रति किस कलाकार का आकर्षण बचपन से ही था? राइट आंसर इज सी, मंजीत बाबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मंजीत बाबा की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर इज सी, मंजीत बाबा की मृत्यु 2008 को हुई थी, जो कि 29 दिसंबर को इनकी डेथ हुई थी। 3 साल ये कोमा में रहे, 2005 में इन्हें स्ट्रोक आया था, उसके बाद ये 3 साल कोमा में रहे, उसके बाद इनकी डेथ हुई थी 2008 में। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मंजीत बाबा के लाइफ के बारे में, उनकी कलाकृतियों के बारे में और 20 MCQs। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।